आज हम बनाएंगे मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेकफास्ट। सिर्फ 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। तो इस हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी को शुरू करें। एक बाउल में लेंगे आधा कप मूंग की दाल, और ये धुली हुई मूंग की दाल है। इसमें डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून राइस। ये नॉर्मल राइस है जो हम यूज़ करते हैं। और अब हम इन्हें 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, और इन्हें हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। आप चाहें तो इन्हें रात भर भी भिगो करके रख सकते हैं। तो 4 घंटे हो चुके हैं दाल को भीगे हुए। अब हम इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे, और एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, और इसमें हमने ये दाल को डाल दिया है। और इसी के साथ हम इसमें ये 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें फ्रेश दही डालेंगे, और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ही हम इसमें पानी डालेंगे, और इस दाल का एक बारीक पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर से एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में मैंने 1 चम्मच पानी और डाला है, और इसे भी हम इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। तो ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। ज़्यादा पानी अगर ऐड कर देंगे तो जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब इस पेस्ट में हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच हींग लिया है, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना नमक डालेंगे। नमक हम अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है, जिससे कि इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गरम मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी शिमला मिर्च, 1 छोटा प्याज और ये स्टीम स्वीट कॉर्न है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून है, और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और इसमें आप अगर गार्लिक खाना चाहें तो आप इसमें 1/2 टीस्पून जितना गार्लिक पेस्ट भी ऐड करें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो बेकिंग सोडा हमने मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और गैस पर मैंने एक पैन को पहले से ही गर्म होने के लिए रखा है। 1 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर इस पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना बटर डालेंगे। तो ये नाश्ता आज हम बटर में बना रहे हैं। बटर में बनाने से इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं या घी में भी बना सकते हैं। और बटर के मेल्ट होते ही हमने जो ये बैटर तैयार किया है वो सारा मैं इस पैन में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2 बार में भी बना सकते हैं। तो इसे हम हल्के हाथों से ऊपर से फैला लेंगे, और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अब हम इसके ऊपर ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये कैरेट लिया है मैंने, और ये कैप्सिकम, अनियन और स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। तो इन्हें ऊपर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये टमाटर लिए हैं मैंने, सीडलेस टमाटर है, ये भी हम इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बीटरूट भी डाल सकते हैं। और अब ये कैप्सिकम भी हम इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल थोड़े से मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, और ये स्वीट कॉर्न भी डाल देते हैं। और सभी सब्जियाँ डालने के बाद 2 मिनट के लिए हम इस मूंगलेट को ओपन में ही कुक करेंगे। और 2 मिनट लो फ्लेम पर कुक करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे। तो मैंने इस पैन को कवर कर दिया है, और 2 मिनट के लिए हम इसे स्टीम में पकाएंगे। इस तरीके से अगर आप मूंगलेट बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और अंदर से स्पंजी होगा। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया है, और आप देख सकते हैं मूंगलेट थोड़ा फूल चुका है। तो अब हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड से कुक करेंगे। इसीलिए हमने इसमें नमक कम डाला था, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे, और 2 मिनट नीचे से क्रिस्पी होने के बाद फिर हम इसे फ्लिप करते हुए क्रिस्पी कर लेंगे।
और ये देखिए कितनी आसानी से ये फ्लिप हो जाता है। और अभी ये नीचे से क्रिस्पी नहीं हुआ है तो इसे 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ये गर्मा गर्म मूंगलेट खाने के लिए बिल्कुल। आप इसे सर्व कीजिए खजूर की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, और इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।